वेलकम बैक। मग तुम्हें का साथ, आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये रहे तीन खतरनाक फोन, Vivo V40 वर्सेस OnePlus Nord 4 वर्सेस Realme GT60। लिया कौन सा जाए। हाँ यार, सबके अंदर अलग अलग कुछ यूनिक चीजें भी देखने मिलती है और कुछ कुछ एवरेज पॉइंट भी है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और एट द एंड आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट हो सकता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो से आपको टकाटक पता चल जाएगी। सबसे पहले बात आती है प्राइस की। देखो, Vivo V40 ना आपको ऑफलाइन में, मतलब आपका जान पहचान वाला हो ना ऑफलाइन वाला, तो लगभग आपको 30 से लेके 33,000 के आसपास 8GB 128GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। उसके बाद OnePlus Nord 4, ये भी आपको लगभग ऑफर्स वगैरह लगा के 28,000 के आसपास देखने में मिल जाएगा। और रही बात Realme GT60 की, इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है, कभी कभी ये 25,000 के अराउंड ही आता है, जैसे कि हमने रिसेंटली बाय किया था। बाकी 25 से लेके 27,000 के बीच में ये भी आपको इजीली देखने मिल जाएगा। तो हाँ, प्राइजेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलता है, बट उसके साथ साथ डिजाइन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है और दिखने में इन हैंड फील, आउटडोर प्रेजेंस किसके बेटर देखने मिलती है। देखो, Vivo V40 के अंदर बैक ग्लास का देखने मिलता है और साइड फ्रेम हमें प्लास्टिक की देखने मिलती है, जबकि OnePlus Nord 4 के अंदर बैक भी मेटल का है, साइड फ्रेम भी मेटल की देखने मिलती है। बट Realme GT60 इसके अंदर बैक भी हमें प्लास्टिक का देखने मिलता है और साइड फ्रेम भी हमें प्लास्टिक की देखने मिलती है। बट एक चीज मैंने नोटिस की थी कि OnePlus Nord 4 के ऊपर ज्यादा स्मजेस वगैरह दिखते नहीं और उसके बाद Vivo के ऊपर भी ज्यादा दिखते नहीं। हाँ, हल्के फुल्के कभी दिख जाते हैं, बट सबसे ज्यादा फिंगर के निशान यहाँ पे Realme के ऊपर दिखते हैं, क्योंकि ऊपर का जो इन्होंने पार्ट दिया ना, ये ग्लॉसी दिया है, तो इसके ऊपर इजीली यार फिंगर के निशान वगैरह आते हैं और आई थिंक ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह Realme के ऊपर ही आएंगे। तो यार, फोन को कवर के साथ ही आपको यूज करना चाहिए। बाकी साइड फ्रेम तो मैंने बताई, बट बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है OnePlus, जबकि Realme और Vivo की साइड फ्रेम करीबी देखने मिलती है, तो इन हैंड फील में अच्छा रहता है करीबी होने की वजह से। और सामने के साइड से यहाँ पे डिजाइन की बात करें, देखो यार, Vivo और Realme के अंदर कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, बट फ्लैट डिस्प्ले के साथ यहाँ पे OnePlus निकल के आता है। बट जो बेजल्स है ना, टॉप के बेजल्स देख लेना, सबसे कम मुझे Realme के देखने मिले और साइड वाले बेजल्स भी तीनों के भी यहाँ पे कम देखने मिलते हैं और बॉटम की चेन भी सबसे कम मुझे Realme की ही यहाँ पे देखने मिली। बाकी हाँ, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सबके बेजल्स हमें कम देखने मिलते हैं। उसके साथ साथ OnePlus की जो आइडेंटिटी है, जैसे कि अलर्ट स्लाइडर, ये OnePlus के साथ देखने मिलता है और बाकी आयर ब्लास्टर हमें OnePlus और Realme के साथ देखने मिल जाता है। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज जो Vivo के साथ देखने मिलती है वो है कि IP68 की रेटिंग, मतलब इस फोन को आप पानी के अंदर भी यूज कर सकते हो, जबकि IP54 के साथ यहाँ पे OnePlus और Realme आते हैं, मतलब नॉर्मल वाटर ड्रॉपलेट वगैरह चल जाएंगे, डस्ट प्रूफ भी है, बट पानी के अंदर ये दोनों भी फोन नहीं चल सकते। बट इन दोनों फोन के साथ और एक एडवांटेज देखने मिलता है, वो है कि हैप्टिक्स का, दोनों के अंदर हमें टक-टक वाले हैप्टिक्स देखने मिलते हैं, जबकि Vivo के अंदर यहाँ पे आपको नॉर्मल हैप्टिक्स देखने मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा घुरघुर टाइप इफेक्ट निकल के आता है। बट आपको ये चूज करना है कि IP68 के साथ जाना है या अच्छे हैप्टिक्स के साथ जाना है, ये आपके यहाँ पे चॉइस हो सकती है। हाँ, NFC का भी सपोर्ट आपको OnePlus और Realme के साथ देखने मिल जाएगा, जो Vivo के साथ यहाँ पे नहीं है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लाइट वेट फोन कौन सा देखने मिलता है। देखो, Vivo का जो वेट है 190 ग्राम है, जबकि 200 ग्राम के आसपास मुझे OnePlus देखने मिला और 191 ग्राम का मुझे Realme यहाँ पे देखने मिला। तो हाँ, Realme और Vivo लाइट वेट फील होती है, बट यहाँ पे जो Vivo है ना, बहुत ज्यादा स्लिम फोन है यार, ये देख लेना, जबकि यहाँ पे OnePlus और Realme थोड़े से मोटे फोन, थोड़े से हल्के से महसूस होते हैं Vivo के सामने। तो जो वन हैंडी है ना, मुझे थोड़ा Vivo और OnePlus लगा, जबकि थोड़ा सा मोटा फील होता है यहाँ पे Realme। बट ओवरऑल आप डिजाइन देखते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे OnePlus और Vivo डेफिनेटली यहाँ पे डिजाइन में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, एज कम्पेयर टू यहाँ पे Realme की डिजाइन बहुत ज्यादा बैक साइड से तो मुझे एवरेज यहाँ पे देखने मिली। तो ऐसी कुछ यहाँ पे चीजें थी। बट यहाँ पे यार मैं Realme की तारीफ करना चाहूंगा डिस्प्ले सेक्शन के अंदर। कैसे, देखो सारी चीजें मैं क्लियर कट टकाटक यहाँ पे बता देता हूँ। तीनों के अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले देखने मिलते हैं, तीनों के अंदर 1.5K का भी रिजोल्यूशन है, तीनों की डिस्प्ले साइज यहाँ पे आप देख लेना। बट Realme के अंदर हमें LTPO डिस्प्ले देखने मिलता है और उसके साथ साथ Realme और Vivo के अंदर हमें कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, जबकि फ्लैट डिस्प्ले के साथ यहाँ पे OnePlus आता है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आते हैं या कर्व डिस्प्ले पसंद आते हैं। पर्सनली मेरी बात की जाए तो मुझे कर्व डिस्प्ले पसंद आते हैं। आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताना आपकी चॉइस क्या है, मुझे भी पता चल जाएगी। बट डेफिनेटली जो ब्राइटनेस है ना, इंडोर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा मुझे Realme की देखने मिली। तो Realme की जो HBM ब्राइटनेस है ना, ये 1600 nits के आसपास देखने मिलती है, जबकि OnePlus की 1100 nits के आसपास है और Vivo की 1200 nits के आसपास HBM ब्राइटनेस देखने मिलती है। और इंडोर में सबसे ज्यादा ब्राइट Realme फील होता है, उसके बाद Vivo और सबसे लास्ट OnePlus Nord 4।
और मैंने आउटडोर में भी चेक किया कि कौन सा फोन ज्यादा ब्राइट फील होता है, तो सबसे ज्यादा रियलमी ब्राइट फील हो रहा था, उसके बाद वीवो और सबसे लास्ट वन प्लस नॉर्ड 4। और HDR की पीक ब्राइटनेस की बात करें रियलमी 6000 निट्स के आसपास चला जाता है, जबकि वीवो 4500 निट्स के आसपास चला जाता है, जबकि वन प्लस 2150 निट्स के आसपास चला जाता है। और HDR वीडियो जैसे ही प्लेबैक करते हो रियल में सबसे ज्यादा ब्राइट फील होता है, उसके बाद वीवो भी ब्राइट फील होता है और सबसे लास्ट वन प्लस नॉट 4। बट हाँ, तीनों भी फोन नेटफ्लिक्स के ऊपर HDR 10 को सपोर्ट करते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी तीनों भी फोन के अंदर 4K HDR का सपोर्ट देखने मिलता है। जितना मैंने वीडियो क्वालिटी देखी तीनों की भी वीडियो क्वालिटी आपको सही देखने मिलती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं है, डीप ब्लैक वगैरह देखने मिल जाएगा, कलर्स वगैरह मस्त निकल के आते हैं। बट ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे रियलमी सबसे ज्यादा आगे है ब्राइटनेस के भी मामले में, और LTPO डिस्प्ले होने के वजह से भी तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। बट हाँ, तीनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलते हैं। और जब मैंने स्पीड चेक किया ना, सबसे पहले वीवो वर्सेस वन प्लस किया, तो यहाँ पे दोनों भी फास्ट फील होते, कोई भी विनर निकल के नहीं आता। और फिर मैंने वन प्लस वर्सेस रियलमी किया, तो यार ये भी दोनों का भी स्पीड मुझे सिमिलर सा ही देखने मिला। तो फिंगरप्रिंट का स्पीड तीनों का भी आपको सिमिलर सा ही देखने मिलता है। बट उसके साथ साथ तीनों के अंदर हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं। बट बेस्ट कौन सा है पहले सुन लो, उसके बाद बता देता हूँ। देखो तीनों के भी स्पीकर लाउड देखने मिलते हैं, बट हल्का सा डिफरेंस देखने मिलता है। यहाँ पे मुझे हल्के से बेटर वीवो और नॉट के स्पीकर लगे, जबकि थोड़ा सा इको टाइप यहाँ पे स्पीकर का आउटपुट मुझे रियलमी का देखने मिला। बट ऐसी भी बड़ी दिक्कतें यहाँ पे नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे नेटवर्क के अंदर डिफरेंस निकल के आता है कि नहीं। देखो यार, सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, सारे फोन 5G को सपोर्ट करते हैं, और 5G के बैंड्स के अंदर यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखने मिला। जैसे कि वीवो और वन प्लस 8 ही 5G के बैंड्स देते हैं, जबकि रियलमी के अंदर हमें 12 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे नेटवर्क को टेस्ट किया पुणे के अंदर, तीनों के अंदर यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। तीनों फोन के अंदर 5G प्लस भी आता है, डेटा स्पीड भी यहाँ पे बहुत सही निकल के आता है, तो मुझे 5G के रिगार्डिंग तीनों के अंदर यहाँ पे कोई इश्यू देखने को नहीं मिले। बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस देखने मिलता है। चलो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, बट यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो फटाफट यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, 320,000 फटाफट कंप्लीट करने हैं, और बस 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। सबसे पहले वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 देखने मिलता है, और बाकी रियलमी और वन प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 का प्रोसेसर देखने मिलता है। तो डिफरेंस है प्लस के वजह से, और बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, लगभग 800,000 के अराउंड वीवो के अंडर 2 चले जाते हैं, जबकि नॉट के अंदर 1,100,000 के आसपास, तो 1,300,000 के आसपास यहाँ पे रियलमी चला जाता है। अब वन प्लस और रियलमी के ऑप्टिमाइजेशन में भी यहाँ पे डिफरेंस है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो वीवो के अंदर 86% की परफॉर्मेंस थी, और एवरेज GIPS स्कोर 2,76,000 के आसपास थे, जबकि वन प्लस के अंदर 68% की परफॉर्मेंस थी और एवरेज GIPS स्कोर 2,35,000 के अराउंड थे, और जबकि रियलमी के अंदर 84% के परफॉर्मेंस थे और एवरेज GIPS स्कोर 2,57,000 के आसपास थे। तो CPU थ्रॉटलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा था वीवो V40, क्योंकि हाँ स्टेबल है। बट हाँ, यहाँ भी डिफरेंस UFS स्टोरेज के अंदर भी निकल के आता है। वीवो के अंदर UFS स्टोरेज 2.2 ही देखने मिलता है, जबकि वन प्लस और रियलमी के अंदर हमें UFS स्टोरेज 3.1 बेस वेरिएंट के साथ देखने मिलता है, और ऊपर वेरिएंट के अंदर जाओगे तो UFS 4.0 का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा। जितना मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग भी चेक की, इतना बड़ा डिफरेंस तो तीनों के अंदर नहीं है। जो नॉर्मल एप्स है ना, ये लगभग सेम टाइम पे ही ओपन होती है, बट कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि रियलमी और वन प्लस थोड़े से पहले ओपन कर लेते हैं उसके बाद वीवो, बट इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है नॉर्मल ऐप ओपनिंग के अंदर। आपको शायद आप हेवी गेम्स वगैरह ओपन करते हो तो वहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। बट उसके साथ साथ मैंने ये भी चेक किया कि इन प्रोसेसर के साथ आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे कितना डिफरेंस निकल के आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। काइनमास्टर ऐप के अंदर मैंने सेम लेंथ का वीडियो दोनों के अंदर क्रिएट किया, एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गया तो तीनों ही फोन 4K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट मैंने 1080p 60fps और हाई बिटरेट पे सेम टाइम पे तीनों ही फोन के अंदर वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा दिया, और रिजल्ट्स देख के मैं शॉक था। यहाँ पे सबसे पहले OnePlus Nord 4 ने वीडियो को फिनिश किया 1 मिनट 23 सेकंड के बाद, और उसके बाद 1 मिनट 25 सेकंड के बाद Realme ने भी, और सबसे लास्ट वीवो ने 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 वर्सेस 7 प्लस जेन 3 करते हो तो डिफरेंस यहाँ पे रेंडरिंग में आता है, और उसके साथ साथ आपको गेमिंग के अंदर भी डिफरेंस देखने मिल जाएगा। और मैं BGMI ही टेस्ट करता हूँ मेनली, तो BGMI के अंदर रियलमी और वन प्लस स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस की सेटिंग्स देते हैं, मतलब
स्मूथ के अंदर 90 FPS का सपोर्ट, जबकि वीवो के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखने मिलता है, मतलब स्मूथ के अंदर 60 FPS का सपोर्ट। बट आप HDR की बात करते हो तो तीनों फोन के अंदर HDR प्लस एक्सट्रीम है, मतलब HDR के अंदर 60 FPS का सपोर्ट। बट जितना मैंने स्मूथ प्लस मैक्सिमम FPS के अंदर तीनों को ही ट्राई किया तो वीवो आपको लगभग 50 से लेके 55 FPS के बीच में आराम से यहाँ पे गेमिंग करवा के दे देगा, जबकि वन प्लस लगभग आपको 80 से लेके 85 FPS के बीच में 90 FPS में गेमिंग करवा के दे देगा, रियलमी लगभग 70 से लेके 75 FPS के बीच में आपको 90 FPS के अंदर गेमिंग करवा के दे देगा। वीवो गेमिंग को टारगेट नहीं करता है, वीवो मेनली किसको टारगेट करता है आगे मैं आपको बताऊंगा, बट ऐसी कुछ चीज है। सो आप रियलमी वर्सेस वन प्लस गेमिंग के लिए करते हो तो बेटर यहाँ पे वन प्लस निकल के आता है, और हीटिंग के कोई मुझे मेजर इश्यू तीनों के अंदर देखने को नहीं मिले, जबकि वन प्लस मेटल बॉडी और मेटल फ्रेम के साथ भी आता है उसके बावजूद भी हीट नहीं करता है, ये चीजें अच्छी है। बट क्या सॉफ्टवेयर में सारी चीजें अच्छी है कि नहीं, चलो मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ। अब तीनों के अंदर अपने अपने OS मतलब सॉफ्टवेयर देखने मिलते हैं, जैसे कि वीवो के अंदर फन टच OS है तो ऑक्सीजन OS वन प्लस के साथ देखने मिलता है, और रियलमी के साथ रियलमी UI देखने मिलता है। तीनों भी फोन के अंदर एंड्रॉइड 14 देखने मिलता है, बट वीवो के अंदर 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, 4 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएगी, जबकि वन प्लस के अंदर 4 ईयर्स के मेजर अपडेट आएंगे और 6 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएगी। रियलमी के अंदर भी 3 मेजर मिलेंगे और 4 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेशन चेक किए तो डेफिनेटली वीवो ने अपने वी सीरीज के अंदर इस फोन के एनिमेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, बट अभी भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे करने की जरूरत है। कभी कभी कैमरा ऐप ओपन करते हो तो एनिमेशन स्लो फील होते हैं। उसके बाद मैंने रियलमी को चेक किया तो रियलमी के एनिमेशन सबसे ज्यादा स्मूथ फील हो रहे थे, कौन सा इन्होंने एनिमेशन इंजन यूज किया पता नहीं। और उसके बाद वन प्लस के भी एनिमेशन चेक किए तो ये भी यार स्मूथ फील होता है। और यहाँ पे ब्लोटवेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर मुझे वन प्लस नॉट 4 के अंदर देखने मिले, लगभग 12-13 के आसपास। हाँ, आप अनइंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हो, जबकि रियलमी और वीवो के अंदर 4-4, 5-5 ब्लोटवेयर देखने मिलते हैं, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और हॉट ऐप और हॉट गेम्स जो है मुझे किसी भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिला, सबने रिमूव किया है, ये चीजें अच्छी लगी। बट तीनों भी फोन नोटिफिकेशन भेजते रहते, जैसे कि वीवो के अंदर फी स्टोर इसकी नोटिफिकेशन बंद करनी पड़ेगी, वन प्लस भी नोटिफिकेशन भेज रहा है आजकल। हाँ, इसके अंदर ऐप पिक नाम का एक ऐप आ चुका है जो नोटिफिकेशन भेजता है, और रियलमी का ऐप मार्केट ये भी फालतू के नोटिफिकेशन भेजता है, सबके नोटिफिकेशन आपको बंद करने पड़ेंगे, मतलब कुछ टाइम देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को क्लीन करने के लिए। और वैसे फीचर्स की बात करें ये तो तीनों भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कहीं भी इसकी कमी देखने को नहीं मिल जाएगी, मतलब तीनों के अंदर भी आप AI का यूज करके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, उसके साथ साथ तीनों के अंदर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिल जाता है, फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हैं, और तरह तरह के बहुत सारे फीचर तीनों के अंदर देखने मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे वीवो जो है ये खुद का डायलर देता है, इसके थ्रू आप इजिली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी वन प्लस और रियलमी के अंदर आपको ओ डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, उसके बाद आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना इसके अंदर गूगल का डायलर देखने मिलता है। वैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी तीनों के अंदर यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है, और जो तीनों के अंदर हाई रिफ्रेश रेट है ये भी सिस्टम के साथ साथ सारे थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी चलता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कतें नहीं है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि तीनों भी सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लोटवेयर देखने मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा वन प्लस के साथ आते हैं, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तीनों भी फोन के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह आती है, उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको क्लीन सॉफ्टवेयर पहले करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो स्मूथनेस है ना, सबसे ज्यादा स्मूथ आपको रियलमी फील होगा, उसके बाद वन प्लस और वीवो। जो फीचर्स है ये भी तीनों के अंदर आपको भर भर के देखने मिल जाते हैं, और अपडेट पॉलिसी भी सबकी अच्छी है, बट वन प्लस ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मुझे बैटरी सेक्शन के अंदर देखने को मिली, जैसे कि तीनों के अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, और तीनों फोन के अंदर इनबॉक्स फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जबकि वन प्लस के अंदर 100 वैट का है, रियलमी के अंदर 120 वैट का है। ये दोनों भी फोन लगभग 28 से लेकर 30 मिनट्स के बीच में चार्ज हो जाते हैं, जबकि वीवो के अंदर 80 वैट का चार्जर है जो फोन को लगभग लगाता है 45 से लेकर 50 मिनट फुल चार्ज होने में। बट जो बैटरी लाइफ है ना, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीवो की लगी, लगभग ये फोन 7 से लेकर 10 घंटे के बीच में भी चल सकता है, आपकी यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट फटाफट बैटरी ड्रेन नहीं करता, जबकि वन प्लस और रियलमी का मैंने देखा है कि हाँ थोड़ी सी बैटरी फटाफट ड्रेन यहाँ पे होती है। वन प्लस के अंदर और रियलमी के अंदर आपको लगभग 6 से लेके 8 घंटे के बीच में ही ऑन स्क्रीन देखने मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे आधे से लेके 1 घंटे के बीच में तीनों फोन के अंदर डिफरेंस यहाँ पे देखने मिला, और यहाँ पे हल्की सी बेटर बैटरी लाइफ आपको वीवो के अंदर देखने मिल जाएगी। बट उसके साथ साथ कैमरा के अंदर भी जमीन आसमान का फर्क है। हाँ यार, कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, और जैसे कि मैंने बोला कि वीवो कुछ अलग काम के लिए टारगेट करता है, वो है कि कैमरा।
हाँ यार चलो मैं सारी चीज़ें आपको ना मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटडोर लाइट कंडीशन पे हमने कुछ फोटोज लिए थे तो डायनेमिक रेंज तीनों के अंदर बेटर निकल के आती है, बट चेहरे के ऊपर की जो लाइट कंट्रोल है ना ये मुझे बेटर व्यू के अंदर देखने में मिली। उसके साथ साथ अपोजिट टू लाइट आप फोटोज लेते हो तो तीनों भी बेटर परफॉर्म करते हैं, बट लो लाइट में वीवो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर निकल के आता है और अल्ट्रा वाइड में भी डेफिनेटली यहाँ पे वीवो बेटर निकल के आता है, क्योंकि जो यार डिटेल्स होती है ना अल्ट्रा वाइड के अंदर वो अनमैच है। बाकी के दो फोन इतने ज़्यादा डिटेल्स नहीं ले सकते अल्ट्रा वाइड के अंदर, क्योंकि वीवो का अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है। बाकी पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो देख लेना यहाँ पे एज डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर यहाँ पे सही देखने मिलता है। कहीं ना कहीं जो ट्यूनिंग है ना चेहरे के ऊपर वही मतलब जो कलर साइंस है ये वीवो का बेटर देखने मिलता है। बाकी नॉर्ड और रियलमी 2x पोर्ट्रेट मोड में फोटोज ले सकते हैं, बट वीवो 50mm, 35mm और 24mm के अंदर ले सकता है और ऐसे कुछ शॉट्स निकल के आते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे वीवो बेटर निकल के आता है, क्योंकि यार ज़ाइस के इंटीग्रेशन के साथ ये फ़ोन देखने मिलता है और ज़ाइस के अलग अलग मोड इसके अंदर देखने मिलते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर, तो डेफिनेटली ये बैकग्राउंड को ना अलग अलग मतलब यहाँ पे जैसे कि लेंस फ्लेयर हो गया उसके साथ साथ बैकग्राउंड को ऐसे मतलब घुमा भी देता है, तो यार डेफिनेटली यहाँ पे वीवो अनमैच है इस प्राइस रेंज में पोर्ट्रेट मोड के लिए। सेल्फी की बात करें तो देख लेना किसकी बेटर निकल के आ रही है, मुझे भी कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी वीवो 4K 30fps ही वीडियो शूट कर सकता है, जबकि नॉर्ड और GT 4K 60fps का सपोर्ट देते हैं। बाकी 1080p 60fps से यहाँ पे तीनों भी फ़ोन वीडियोस को शूट कर सकते हो, बट ओवरऑल कैमरे के लिए Vivo V40 का यार कोई यहाँ पे तोड़ नहीं है। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन पे और तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। देखो तीनों फ़ोन किसको टारगेट करते हैं ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब यार Vivo जो है ना ये बैलेंस यूजर्स को ज़्यादा टारगेट करता है, ऐसे यूज़र जिनको अपने फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस बैलेंस लेवल का भी चलेगा, जैसे कि IP68 की रेटिंग, दिखने में बहुत सुंदर स्लिम फ़ोन है, बैक ग्लास का देखने मिलता है, कर्व डिस्प्ले है, 4500 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने मिलती है और उसके साथ साथ ये फ़ोन कैमरा को भी ज़्यादा टारगेट करता है और Vivo की ब्रांड वैल्यू। तो हाँ ये Vivo V40 डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करता है जैसे कि अभी मैंने बताया, बट जब बात आती है ना OnePlus और Realme ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, जैसे कि Snapdragon 7 Gen 3 दोनों के अंदर देखने मिलता है, दोनों भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डेली यूजेस में भी और गेमिंग के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus बेटर ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू Realme, बट Realme का जो डिस्प्ले है ये OnePlus से कहीं कहीं गुना बेटर मुझे देखने मिला, क्योंकि ब्राइटनेस भी बेटर देखने मिलती है और LTPO डिस्प्ले है, बट जो डिज़ाइन है ना ये OnePlus की पर्सनली मुझे यहाँ पे बेटर लगे एज कम्पेयर टू Realme, क्योंकि मेटल का बैक, मेटल की पूरी बॉडी देखने मिलती है। तो इन दोनों में से आपको एक लेना है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों के लिए, तो यहाँ पे यार कन्फ्यूजन है, बट जिनको गेमिंग ज़्यादा मैटर करती है और ब्रांड वैल्यू ज़्यादा मैटर करती है वो OnePlus के साथ चले जाना, और Realme के साथ तभी जाना चाहिए जब ये फ़ोन 25,000 के अराउंड आता है ना, तब भी ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 75fps के आसपास 90fps में गेमिंग देखने मिल जाएगी, बट उसके साथ साथ इसका डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एनिमेशन वगैरह सुपर स्मूथ देखने मिलते हैं, 25,000 के अराउंड ये बेस्ट है, बट 28,000 आपका बजट है तभी OnePlus के साथ चले जाना। आई थिंक जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी सारी यहाँ पे क्लियर हुई होगी और ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको कौन से फ़ोन का कंपैरिजन चाहिए या रिव्यू चाहिए ये भी यार डेफिनेटली आप नीचे जरूर कमेंट कर लेना, उसके ऊपर काम करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी आपका कोई भी फीडबैक सजेशन नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।